अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फीवर हो रहा है, और साथ में जो जुल्फ़िकार साहब की तबीयत थी अब वो मेरी ही है, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि जो जुल्फ़िकार साहब की तबीयत होती है उसके बाद वो मुझे ज़रूर हो जाता है। तो बहरहाल उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, आपकी भी बातें सुनूंगी, पहले मैं अपनी बातें कर लूँ। इनको सुबह का ब्रेकफास्ट करवा दिया था सेरेलैक, और दिन में मैं इनको दे रही हूँ जी चने की दाल बॉयल करके। और माशाल्लाह से बहुत, पहले दिन उन्होंने शौक से नहीं खाई लेकिन अब शौक से खा लेते हैं, और अब हम बातें भी करते हैं। अब हमारी दोस्ती भी काफ़ी हद तक हो गई। ये देखिए, दोबारा से एक बच्चा पाल रही हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब ये देखिए, मेरे पास बिस्तर में मेरे पास मेरे साथ है मफीर। मफीर मफीर, क्या खा रहे हो आप? मफीर, सबको सलाम करो। मफीर मफीर को कोनों में घुस रहा है बस। ये देखिए, ये देखिए, जहाँ इसको जरा सा कोना मिलेगा ना वहाँ। इसका हमने बॉक्स रेडी किया हुआ है, उसमें हम इसको रखते हैं लकड़ी का बुरादा डाल के। अब ये अपने आप को साफ कर रहे हैं मफीर, और इनकी चोंच के ऊपर जो है वो मैं वैसलीन लगा देती हूँ ज़रा, तो ये बड़े खुश होते हैं वैसलीन लगवाते वक्त। अल्लाहू अल्लाहू मफीर, अल्लाहू अल्लाहू जी, मम्मी दूर हो गई मफीर। अच्छा जी, नेल्स की सफाई हो रही है इस वक्त, ये तो मैंने अभी नोटिस किया। ये देखिए, नेल्स की सफाई कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इत्तुशा है इत्तुशा मफीर। अब इसका रेड कलर जो वो प्रोमिनेंट होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता मफीर। और मफीर को आज आए हुए हमारे पास जी चौथा दिन है। संडे को आए थे, संडे मंडे ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे, तो आफ्टर 4 डेज। अब ये देखिए माशाल्लाह से, ये इसके लिए बनाया हुआ है, नीचे प्लास्टिक बिछा के ऊपर लकड़ी का बुरादा। और अब इसकी जो ये बुरादा है इसको आज चेंज करूँगी मैं। उठती हूँ तो फिर चेंज करती हूँ, हिम्मत नहीं हो रही। क्या है? हाँ जी 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 जी, क्या कर रहे? हाँ जी, हाँ क्या बात है? मम्मी मम्मी, मफीर मेरा पाला बच्चा बच्चा, पाला बेबी, बाय 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 बाय। चलो चलो जी, बाय 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 बाय। ये देखिए, सो भी गया, बिल्कुल सो गया। आज हमारे रोमियो जूलियट ने पहला एग ले कर दिया है माशाल्लाह से। मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए देखिए, रोमियो जूलियट का पहला एग। ये मैंने लूसेंट डाला था और ये सारा लूसेंट उठा के ऊपर ले गए, नेस्ट में रख दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रे रोमियो जूलियट। और ये हमारे मैक्स एंड मैक्सी, अब ये भी कुजे की तरफ जाते हैं, देखते हैं फिर आ जाते हैं। और यहाँ पे ये हीरा जा है। मज़े की बात यह है कि इसकी जो हीर है वो मजरू के साथ यहाँ सेट थी, और वो वाली जो है वो मजरू को लिफ्ट नहीं करवाती थी बिल्कुल भी, और वहाँ से वो बोलता था, यहाँ से ये जवाब देती थी। और ये साथ इधर केज के साथ जो है वो एक दूसरे को देख देख के चक्कर काटते रहते थे। अब मैंने बीच में पार्टीशन कर दिया इस तरह से, मतलब दीवार बना दी है, पर्दा कर दिया। तो अब उम्मीद है कि ये और वो सेट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये भी जल्दी एग ले कर देंगे, क्योंकि इनका कलर अलग है ना, तो वरना मैं उसको उसके साथ कर देती अलग से। तो ये है जी टोटल सूरत हाल। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और आज है सैटरडे। 7 डेज हो गए आपको मेरे पास आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह 7 days में आप देखिए, पहले गंजे पुंजे आए थे आप, अभी आप माशाल्लाह माशाल्लाह देखो, जला खुद को देखो, सोना हो गया माशाल्लाह, रेड कलर भी आ गया जी, बड़े हो गए हो आप, बड़े हो गए हो माशाल्लाह से, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, ओके ओके। मफिन अभी अपनी भैया की गोदी में है और भाईजान भी साथ में बैठे हुए हैं और मम्मी डैडी भी। हम ए मफिन, मफिन को आज 7 दिन हो गए हमारे पास। मफिन का 1 हफ्ता पूरा हो गया, 7 दिन में माशाल्लाह कितने सारे पर भी आ गए इनके और इनकी टेल भी काफी बड़ी हो गई है ना मफिन। मफिन 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 जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। ओए ये क्या कर रहे भाई, कुछ भी नहीं है खाने का यहाँ पे, खुद से तो खाता ही नहीं है भाई साहब, खिलाना पड़ता है इसको, जो है वो करते हैं ना। हाँ चोंच मारते हैं ऐसे ही। डैडी देखिए इसकी ये वो ये मैरून टाइप के वो भी निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। हाँ ये वाले इसके जो पर है ना, ये रेड वाले, माशाल्लाह काफी भर गया है, पर भी बड़े बड़े हो गए हैं इसलिए। चने की दाल खा रहे हैं, सैरी लेग खा रहे हैं और वाइट राइस भी खिलाए थे आज इनको मैंने, जो है वो सैरिलैक के अंदर एक्सरसाइज हो रही है भाई, उड़ने की प्रैक्टिस ठंडे लग रहे और इनको सैरिलैक के अंदर जो है वो कद्दू का आटा, थोड़ा सा बेसन, इनको मिक्स करके पका के और फिर इसको मैंने खिलाया हुआ माशाल्लाह से, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसके साथ मैं करती रहती हूँ। वाह 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 वाह, उड़ने की प्रैक्टिस हो रही है जी, खुली जगह में है ना, तो अब ये अपने जाहिर है एक्सरसाइज होती है। मफिन बेबी अब भाईजान के साथ पंगे लेंगे थोड़ी देर, भाईजान की तरफ जा रहे हैं, जहाँ कोरा नजर आएगा ना वहीं जाएगा कॉर्नर में। अच्छा ये पोटी भी कर देता देहाल से। मफिन मफिन